स्वागत आप सबका वाइटेलिटी T20 ब्लास्ट के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे वॉर्चेस्टर शहर बनाम नॉटिंगम शहर के बीच में, जो खेला जाएगा न्यू रोड वॉर्चेस्टर के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 10 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिलेगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। इस वीडियो के अंदर अपन स्टार्टिंग में पिच रिपोर्ट देखेंगे, फिर अपन यहाँ पे हेड टू हेड नंबर्स देखते हैं, वेन्यू नंबर्स देखते हैं और आखिरी के अंदर मैचअप्स, किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है फैंटेसी टीम बनाने से पहले। तब करना क्या है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, आपको बेस्ट कंटेंट देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसका क्या फायदा है, 9:30 बजे टॉस है, मैच 10 बजे स्टार्ट होगा। हमेशा मैं कहता हूं 9:30 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम बहुत क्रुशियल होता है, डेडलाइन से आधे घंटे पहले का, जिसमें आप पिच रिपोर्ट देखते हो, मैं पिच की फोटोज पोस्ट कर देता हूं, इसमें आप देखते हो प्लेइंग 11 क्या रहेगा, प्लेइंग 11 कौन सी टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, क्या सिचुएशन हो सकती है, कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, इस सारी जानकारी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी फाइनल चेंजेस होते हैं टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब देखें पिच रिपोर्ट देखते हैं। न्यू रोड वॉर्चेस्टर के ऊपर मैच है, खूबसूरत है मैदान है। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टाइम 20 जून को हुआ था, वॉर्चेस्टर शहर और लैंकेशायर का गेम था। उसमें फिर से आप सोचो जो टीम थी लैंकेशायर हारती है भाई, उसके अंदर जॉस बटलर, इसमें फिलिप सॉल्ट, इसके पास डरेल मिचेल, मतलब यार लिविंगस्टन, नाम की लिस्ट खत्म नहीं होती, तो भी टीम हारती है। तो इसलिए टीम का बैलेंस मैटर करता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ उस मैच के अंदर, लैंकेशायर पहले बल्लेबाजी करती है, 165 का टारगेट देती है 8 विकेट गवा के 165 का। वॉर्चेस्टरशायर चेस करने आती है, होम टीम, और उन्होंने यहाँ पर आप सोचो 14 बॉल रहते टारगेट चेस कर दिया, 14 बॉल रिमेनिंग दे चेस द टारगेट, 7 विकेट से मैच जीत गई। मिचेल सैटनर प्लेयर ऑफ द मैच बनता है। उससे पहले 196 बना 5 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है 175 पर 6 विकेट गवा देती है, टारगेट चेस नहीं कर पाती। 178 बना 6 विकेट गवा के, टारगेट यहाँ पर चेस हो गया 2 बॉल रहते। 183 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। 175 बना, टारगेट चेस हो गया। 159 बना, टारगेट चेस हो गया। तो पिछले 5 मैचेस के अंदर इस वनी के ऊपर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 मैच जीते गए, चेस करते हुए 3 मैच जीते गए। वॉर्चेस्टर शहर का होम ग्राउंड है, वॉर्चेस्टर शहर यहाँ पे 101 मैच खेल के 51 मैच जीती है। नॉटिंगम यहाँ पे आप खुद सोचो 7 मैचेस खेली है, 8 मैच खेली और 7 मैच जीती है, सिर्फ 1 मैच यहाँ पे हारी है नॉटिंगम। ऐसा लग रहा है नॉटिंगम का होम ग्राउंड है ये। प्रति ओवर यहाँ पे 9 के आसपास रन बनते हैं। और उस वाले में जो लास्ट मैच था वॉर्चेस्टर शहर लैंकेशायर का, उस मैच में 9 विकेट पेसर का था, 2 विकेट स्पिनर्स का था। ये बार साहब बहुत अच्छा मैच होने वाला है। एक तरफ मिचेल स्टार्टनर है, दूसरी तरफ एलेक्स हिल्स होंगे, एक तरफ आपको देखते हैं यहाँ पे जो क्लार्क एक्स प्लेयर है, अगर आपको नहीं पता वॉर्चेस्टर शहर का एक्स प्लेयर है वो आपको खेलता हुआ दिखेगा, सामने एडम मोस होगा। ये भाई साहब बैटल, एपिक बैटल है ये। अब देखो यहाँ पर इस वन पे लास्ट 5 मैचेस में इस साल क्या हुआ है, T20 ब्लास्ट में 38 विकेट निकाला है पेसर ने, पहली बारी में 20 और दूसरी बारी के अंदर 18 है। राइट आर्म पेसर 37, लेफ्ट आर्म पेसर 1 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें 24 विकेट निकाल चुके हैं, देखो आप पहली बारी में 12, दूसरी बारी के अंदर 12, ऑफ स्पिनर्स का 6, लेग स्पिनर्स का यहाँ पर आप देखो लेग स्पिनर्स का 10 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 4, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 4 विकेट है। अब चलते हैं यहाँ पे पिच की फोटो की तरफ। तो आप देख सकते हो पिच यहाँ पर इस तरह से दिखती है, ऐसा पिच का व्यू आता है। वीडियो देखना आपको तो ऐसा वीडियो दिखता है, देखो कहाँ गई भाई, नाराज हो गई है पिच। ये देखो आप ऐसा यहाँ पे पिच दिखती है, लास्ट मैच की पिच की फोटो है, ये आप देख सकते हो ऐसी पिच दिखती है। सामने की बाउंड्री 64 मीटर है, स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे 72 मीटर की होती हैं, पर आजकल मैं देखता हूँ T20 ब्लास्ट के अंदर बाउंड्रीज को छोटा कर दिया गया, बहुत छोटी बाउंड्री हो जाती है, पता नहीं क्या लफड़ा है। दिखते लिखते तो 64 मीटर है, पर मैं मैच में देखता हूँ तो इतनी सी बाउंड्री दिखती है मेरे को हर बार। इस स्टेडियम का व्यू आप देखें, यहाँ पे शादी वगैरह भी होती है स्टेडियम के अंदर, आप सही सुन रहे हो, जब मैचेस यहाँ पे नहीं होते हैं। वॉर्चेस्टर शहर कैप्टन ब्रैड ओलिवेरा, दो ओवरसीज प्लेयर उस्मान अमीर, मिचेल सैटनर, जैक बॉल फिट और अवेलेबल है। दोनों टीम्स ने आपस में 22 मैच खेला है। वॉर्चेस्टर शहर रैपिड 7 जीती है, नॉटिंगम आउटलोस ने 12 मैचेस जीते हैं, 2 मैच टाई हुए हैं इनके, टाई मतलब नो रिजल्ट गए। वॉर्चेस्टर शहर रैपिड्स, ब्रैड ओलिवेरा कप्तान इस टीम की ओपनिंग करेंगे जैक हेनेस के साथ, मिचेल सैटनर वन डाउन है, फैंटेसी वैल्यू लेके आएगा, वन डाउन बैटिंग करना, 4 ओवर बॉलिंग करना। एडम मोस, काशिफ अली, बेन कॉक्स, इडी पोलक, उस्मान अमीर, पैट्रिक ब्राउन, पेलिंगटन, जॉस टंग आपको खेलता हुआ दिखेगा। जैक ली भी बेंच पे बैठना चाहिए मोस्टली, अच्छा प्लेयर है। नॉटिंगम की बात करें तो जो क्लार्क, एलेक्स हिल्स, कॉलिन मंड्रो, मैट मंटोगुर्मी आएंगे यहाँ पे, संत पटेल आते हैं मिडिल ऑर्डर में, टॉम मूड्स आएंगे लेफ्टी बैटर, विकेट कीपर बल्लेबाज, स्टीवन मुलानी, कैलेवन हैरिसन लेग स्पिनर, शाहीन शाफरीदी ओवरसीज प्रो, मैथ्यू कार्टर, जैकी बॉल। चलते हैं प्लेयर के स्टैट्स की तरफ, देखिए आप यहाँ पे
15 मैचेस खेले भाई साहब इस बंदे ने, ब्रेट ड्यूलबारे ने 167 रन किया है, 13 की औसत है, 13 विकेट्स हैं और इस टीम्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी रन नहीं गिरे। पता नहीं क्या इतिहास रहा है, एक 64 की पारी आई है, एक 44 की पारी आई है, वरना एक भी 10 रन के ऊपर की पारी नहीं है। 4, 6, 9, 4, 9, 3, 2, 7, 6, 0, 7, 5, 3 रन, तो पता नहीं क्या हुआ है। वेन्यू के ऊपर 62 मैचेस के अंदर 1000 रन है, 27 की औसत है। जैक हेनेस की बात करें, 2 मैचेस में 57 रन है, बैट फर्स्ट 15, चेस के ऊपर 42, वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 312 रन, 33 की औसत है। अच्छा प्लेयर है, लास्ट मैच में एक मैच विनिंग नॉक खेली थी अगेंस्ट लैंकशायर 63 की। वेन्यू के ऊपर अच्छे नंबर्स, आप खुद देख लो, 10 मैच में 300 रन करना मतलब छोटी मोटी बात नहीं होती है। मिचेल सैटन का 2 मैच में 47 रन है हेड टू हेड के अंदर, और 3 मैच में, तो 3 मैच कर लो, 3 मैच में 47 रन है, बैटिंग फर्स्ट 35 और 6, चेस के ऊपर 6 और एक भी विकेट नहीं निकाला। इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है, नॉटिंगम की टीम लेफ्ट आर्म ऑथरॉस के सामने फंसती है। वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 10 विकेट हैं, 173 रन है, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेटर फॉर द फैंटेसी प्रोस्पेक्टिव, वैल्यू लाएगा बैटिंग और बॉलिंग से। एडम उसका 11 मैच में 237 रन, बैटिंग फर्स्ट 12, 88 नाबाद, चेस के ऊपर 7 है, 17 है, 7 है, 4 है। वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 177 रन है, ये सीजन इतना अच्छा नहीं गया लेकिन अच्छा प्लेयर है ये, लास्ट मैच में 27 रन की नाबाद पारी खेली थी। कासिफ अली का 2 मैच में 33 रन, वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 207 रन है, डाउन दौड़ा आता है, बैटिंग फर्स्ट में रोटेट कर सकते हो और आपका मूड तो लेने का। बेन कॉक्स 15 मैच में 158 रन, 17 की औसत है, कोई खास नंबर्स नहीं है। वेन्यू के ऊपर 63 मैच में 1000 रन होने वाले हैं, 8 रन चाहिए सिर्फ। एडी पोलक 8 मैच में 132 रन है, डाउन ऑर्डर आते हैं, फैंटेस वैल्यू बिल्कुल अपने साथ नहीं लाते हैं। उसामा मीर एक्स फैक्टर रहेगा इस गेम में। वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 5 विकेट निकाल चुका है, बहुत अच्छा बॉलर है, 2 बार विकेट लेस भी गए हैं यहाँ पे, बल्ले से 73 रन भी करे हैं। वेन्यू के ऊपर लेग स्पिनर है, सामने वाली टीम लेग स्पिनर्स को अटैक करने को दिखती है नॉटिंगम। पैट्रिक ब्राउन 7 मैच में 14 विकेटें, विकेट टेकिंग मशीन। लंकेशर के अगेंस्ट भी 3 विकेट निकाला भाई ने, हर मैच में आता है 3-4 विकेट निकालता है। इस टीम के अगेंस्ट, नॉटिंगम के अगेंस्ट हर बार बॉल सेकंड गया है और 7 मैच में 14 विकेट निकाल चुका है। वेन्यू के ऊपर 25 मैच में 40 विकेटें हैं, इस वेन्यू के भाई साहब किंग है या किंग बादशाह। पेलिंगटन 5 मैचेस के अंदर 4 विकेट, हेड टू हेड के अंदर बॉल सेकंड करते हुए वेन्यू के ऊपर 22 मैच में 24 विकेटें हैं। एक दो डालते हैं नई गेंद से, अच्छा स्पेल गया तो गया, फिर बॉलिंग नहीं कराते इससे। जॉस टंग 2 में 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 2, बॉल सेकंड 1 मैच में 0, वेन्यू के ऊपर 4 मैचों में 4 विकेटें हैं। जैक लिबी 5 मैच में 102 रन है, एक्स प्लेयर है नॉटिंगम का ये, वेन्यू के ऊपर 16 मैच में 400 रन है। स्टार्टिंग ओवर कौन डालेगा? पिलिंगटन, जॉस टंगे, मिचेल सैटनर, डेप्थ के अंदर पैट्रिक ब्राउन, सैटनर, ओसामा मीर। अब देखो पिछले मैच में पिलिंगटन का पहला, तीसरा, पांचवा था, जॉस टंगे का चौथा, सातवां, उन्नीसवां, सैटनर भाई साहब 2 डेप्थ में डालने आ गया, दूसरा, बारहवां, 16, 18, लास्ट मैच में भी इसने, सेकंड लास्ट मैच में भी इसने एक 18 ओवर डाला था, तो फैंटेसी वैल्यू आपको मिल रही है। ओसामा मीर 15th and 17th डाला लास्ट मैच में भी, सेकंड लास्ट मैच में भी, ये भी फैंटेसी वैल्यू अपने साथ लाता है, 9th और 11th। पैट्रिक ब्राउन 6th, 13th, 20th, पैट्रिक ब्राउन के बाद ब्रेड डिलीवरा 8th, 10th, 14th, थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेते हैं, आके हाथ घुमाते हैं। जो क्लार्क 7 मैच 31 की औसत है, 153 रन है, कहाँ पे? हेड टू हेड के अंदर 5, 45, 26 नाबाद, 52, 0, 25 आए हैं चेस के ऊपर। वेन्यू पर 23 मैच में 29 की औसत है, 600 रन है, 168 का स्ट्राइक रेट है। लोकल बॉय है जो क्लार्क के, वॉर्चेस्टर शहर का, अगर आपको नहीं पता, ये पहले इसी क्लब के लिए खेलता था, वॉर्चेस्टर शहर के लिए। इस वेन्यू पर इसने शतक बनाया है, 1, 2, 50 करी है और 4, 30 to 50 के बीच में स्कोर किया है, अच्छे फिगर्स हैं यहाँ पे। एलेक्स हिल्स का 19 मैच में 586 रन है और 34 की औसत है, 6, 50 और 4, 30 है 19 इनिंग्स के अंदर इस वेन्यू के ऊपर, आई मीन हेड टू हेड में। वेन्यू के ऊपर तो 8 मैच में 150 रन है, लेट्स सी, पिछले 3 मैचेस से फॉर्म डिप हुआ है, 35, 0, 5, 17, 1, पिछले 5 मैचेस में इसने कुछ नहीं किया, 5 भी नहीं है और 6 मैचेस में। कॉलिन मनरो का 1 मैच में 9 रन है हेड टू हेड में, एक्स प्लेयर है ये, अगर आप नहीं जानते, पहले वॉर्चेस्टर के लिए खेला करता था, 18 मैच खेल चुका है इस वेन्यू के ऊपर, इसी हिसाब से समझ सकते हो, 310 रन है। शॉकिंगली इस वेन्यू के ऊपर इनकी औसत बहुत खराब है, 21, 330 किया है 18 इनिंग्स में, वहाँ पे भी 2 डाउन खेलता था ये वॉर्चेस्टर शहर के लिए। मैट मॉन्टगोमरी 1 मैच में 4 रन, ये भी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। सुमित पटेल का 20 मैच में 220 रन, अच्छा क्रिकेटर है, फैंटेसी वैल्यू अपने साथ लाता है, 3-4 ओवर बॉलिंग करता है और बैटिंग 3 डाउन या 4 डाउन करता है मोस्टली।
कभी टू मोड्स को भेज देते हैं, जब दो लेफ्टीज हो जाते हैं तो फिर सुमित पटेल आएंगे, जैसे कि कॉलिन मंड्रो खेल रहे हो तो फिर सुमित पटेल और कॉलिन मंड्रो आउट हो जाते हैं तो टॉम वुड्स को भेज देती है टीम। वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 7 विकेट है, ठीक ठाक फिगर्स हैं, मेरे को हमेशा इंपॉर्टेंट लगते हैं। टॉम वुड्स 12 मैच में 196 रन चौबीस की औसत है, वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 83 रन्स हैं। स्टीवन मुलानी 19 मैचेस के अंदर 21 विकेटें हैं, अच्छे फिगर्स हैं, 180 रन बल्ले से हैं इस टीम के अगेंस्ट। बॉलिंग फर्स्ट 15 मैच के अंदर 19 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच में 2, वेन्यू पर 8 मैच में 10 विकेट है, बॉल फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हुआ है। वेरिएशंस करता है, स्लोअर बॉल, कटर बॉल, छोटे रनअप से बॉलिंग करता है, फास्ट बॉलर नहीं है, मीडियम फास्ट बॉलिंग करता है वो, एकदम राइट एम मीडियम है बस, इतना याद रखो। केलविन हैरिसन 4 मैच में 0 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 0 विकेट्स है, लेट्स सी। शाहीन अफरीदी का 1 मैच में 1 विकेट है, एटवुड के अंदर वेन्यू के ऊपर 5 मैच में, वेन्यू के ऊपर यार नहीं खेला उसको करेक्ट कर लो। शाहीन अफरीदी एटवुड में 1 मैच में 1 विकेट प्लस 29 रन है, वेन्यू के ऊपर शाहीन अफरीदी नहीं खेला है, ठीक है, या आई थिंक उसके स्टैट्स रह गए ट्रेंट ब्रिज के। मैथ्यू कार्टर हेड टू हेड के अंदर 6 मैच में 6 विकेटें हैं, वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 2 विकेट है। जैकी बॉल 9 मैच में 19 विकेट है, ना ये वेन्यू पे विकेट लेस गया ना हेड टू हेड के अंदर विकेट लेस गया है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्रैंडली खेल रहे हो, कैप्टन कैप्टन कर सकते हो। कॉनर एमसीकर, लैड एंड जेम्स, हसदीप हमीद, डैन पेटरसन, सबके स्टैट्स दिए हैं। स्टार्टिंग और शाहीन अफरीदी, मैथ्यू कार्टर, जैक बॉल, समित पटेल, डेथ के अंदर शाहीन अफरीदी, जैक बॉल है, इसके स्टैट्स ये वाले करेक्ट है। आई थिंक डिजाइनर ने 2 स्लाइड्स लगा दी, ये हेड टू हेड में 0 विकेट निकाला डैन पेटरसन ने, याद रखो। स्टार्टिंग ओवर तो बताई दिया आपको मैंने, अब यहाँ से समझो, पिछले मैच में अफरीदी का पहला छठवा 18वां 20वां था, जैक बॉल का 4था 16वां 19वां, कार्टर का 3रा 5वां 15वां 17वां, समित पटेल का 2रा 8वां 14वां, मुलानी का 7वां 9वां 11वां 13वां, हैरिसन का 10वां 12वां 14वां ओवर था। चलते हैं यहाँ पे मैचेस की तरफ, तो देखो ब्रेट डी ऑलिवेरा का मैचअप बनता है यहाँ पे जैक बॉल के सामने, 12 बॉल 9 रन्स 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। मुलानी ने 18 बॉल में 25 रन दे के 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, कार्टर ने 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है 9 बॉल में 15 रन दे के, समित पटेल ने 10 इनिंग्स में 2 बार आउट किया 27 बॉल में 31 रन दे के। जैक हैनेस को कोई खास मैचअप नहीं है। एडम हूस वर्सेज समित पटेल, 7 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 26 बॉल में 34 रन दे के, जैक बॉल ने 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया 6 बॉल में 6 रन दे के, अच्छा मैचअप है। कार्टर ने 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया 19 बॉल में 17 रन देके। तो यार कार्टर का नाम और जैक बॉल का तो नाम रिपीट हो गए, कार्टर का नाम भी रिपीट हो रहा है। बैन कॉक्स वर्सेज समित पटेल, 1 बार आउट किया है, कासिफ अली वर्सेज अफरीदी 1 बार आउट किया हुआ है, एडी पोलक का देख सकते हो, मैथ्यू कार्टर के सामने 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। चलते हैं यहाँ पे नॉटिंगम प्लेट्स की तरफ, एलेक्स हेल्स का मैचअप देखो यहाँ पे मिचेल सैटनर के सामने, 12 इनिंग्स में 6 बार आउट किया मिचेल सैटनर ने एलेक्स हेल्स को, मतलब समझ रहे हो, 2 में से 1 इनिंग्स में 1 बार आउट करता है ये वो, 99 बॉल 107 रन। पलिंगटन ने 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया 19 बॉल में 33 रन देखिए। जो क्लार्क वर्सेज स्टैनली खेलेगा ही नहीं मोस्टली, पलिंगटन ने 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। कॉलिन मंड्रो वर्सेज पैट्रिक ब्राउन, ओसम अमीर ने 2 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है कॉलिन मंड्रो को 15 बॉल में 22 रन देके। टॉम वुड्स वर्सेज पैट्रिक ब्राउन, 15 बॉल 12 रन 6 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है उसको, बहुत अच्छे मैचअप्स यार इस गेम के अंदर। तो स्टीवन मुलानी वर्सेज पैट्रिक ब्राउन, 9 बॉल 6 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। समित पटेल वर्सेज पैट्रिक ब्राउन, 5 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। ब्रेट डी ओलिवेरा, 7 इनिंग्स में 2 बार आउट किया 36 बॉल में 35 रन देंगे। साइन अप कर सकते हो विजन अलेवन के अंदर, फ्री के अंदर आपको यहाँ पे साइन अप बोनस मिलता है ₹500 का, बहुत कुछ यहाँ पे गिव अवे चलते रहते हैं, एंट्री फीस बहुत कम है। कॉमन कैप्टन मिचेल सैटनर, ब्रेट डी ओलिवेरा, बड़ी लीग में बता दिया, एलेक्स हेल्स को रोटेट कर सकते हो, थोड़ा रिस्की प्लेयर है वैसे। जो क्लार्क से मैं इस मैच में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखूंगा। एडम हूस पैट्रिक ब्राउन, 1 मिलियन का मिशन, देखते हैं कब पूरा होता है। अपना मोबाइल ऐप है स्टैट्स जी नाम से, वेबसाइट है statsjee.com। वीडियो के अंदर टोटल 60 स्लाइड्स है, आज मैंने वाला स्लाइड सेक्शन ऐड नहीं किया टेक्टिकल डेटा वाला, उसको मैं अपडेट नहीं कर पाया इस वजह से, वरना मैं आपको लास्ट मैच का टेक्टिकल डेटा दिखा दूँ। पिन थ्रेड देखते हैं, तो जो टीम है नॉटिंगम शायद लेक्सपिन के सामने फंसती है, 7 इनिंग्स में 13 विकेट दे चुकी है लेक्सपिन के अगेंस्ट, 128 का स्ट्राइक रेट है। वह जो टीम है यहाँ पे वॉर्चेस्टर शायद लेक्सपिन को बहुत अच्छा खेलती है, क्योंकि इनके टीम के अंदर वर्ल्ड क्लास लेक्सपिनर्स है, 2 इनिंग्स में 1 विकेट दिया है। लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करें तो दोनों टीम्स अच्छा खेली है, लेफ्ट आर्म पेसर्स को कोई खास दिक्कतें नहीं हुई है यहाँ पे। ऑफ स्पिन थ्रेट वर्सेज दिस टीम्स कोई दिक्कत नहीं है,
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिनट्स की बात करें तो इस सीजन में नॉटिंगम ने अच्छा टैकल किया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिनट्स को, वरना पिछले एक दो साल के अंदर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिनट्स सामने नॉटिंगम फंसी है। तो यह है टैक्टिकल डेटा। फिलहाल मेरी टीम ऐसी बन रही है, इस मैच मैंने ब्रेड डेलर को कैप्टन नहीं किया है। अगेन दिस टीम नंबर्स बिल्कुल भी खराब, मतलब बहुत खराब है यार, बिल्कुल भी क्या बोल रहा हूँ मैं। समित पटेल यहाँ पे वाइस कैप्टन, मिचेल सैटनर है, स्टीन मुलानी को लिया हुआ है। अगेन दिस टीम बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा कर सकते हैं, जैक बॉल को ड्रॉप नहीं कर सकते, बॉल सेकंड में भी शनि शाह को भी नहीं किया जा सकता, पैट्रिक ब्राउन को भी नहीं किया जा सकता बॉल सेकंड में। औसम आमिर को भी मतलब बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, बिकॉज वो आपको बैटिंग भी करके दे देता है बंदा, और बॉलिंग के चार ओवर करता है, उसमें से एक ओवर तो पक्का उसका डेथ में आता ही है। जो टीम है नॉटिंगहम के लेग्समैन के सामने फंसती है। अभी आपको मैंने टैक्टिकल डेटा दिखाई थी, हेल्स मनरो और हेल्स ऐसे दो क्रिकेटर्स हैं जो कभी भी चलते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। हेल्स पिछले 5 मैच के अंदर एक भी 50 नहीं किया है, मनरो भी पिछले 4-5 मैचेस में नहीं चला है। तो इस मैच में मैं फिर से उन पर रिस्क ले रहा हूँ, स्पेशली मनरो के ऊपर। हेल्स को आप ले सकते हो या उसको भी हटा के मनरो ले सकते हो। हेल्स या तो मनरो, दोनों में से कोई एक तो चलेगा मोस्टली, हमेशा आमतौर पर देखा गया है, या फिर दोनों ही साथ में चल जाए तो अलग बात है, तो ले सकते हो आप किसी को भी। एडम मूस से जो क्लार्क है यहाँ पर मैंने फिलहाल लिया हुआ है। कोई चेंजेस करना है तो चेंजेस देखो यहाँ पर आप कर सकते हो। जो क्लार्क के इम्पोर्टेंट है यहाँ से, लोकल बॉय है एक। तो मनरो अच्छा प्लेयर है, सामने थ्रेट इतना कोई लग नहीं रहा मेरे को। एलेक्स हेल्स देखते हो तो मिचेल सैटनर के सामने 12 इनिंग्स में 6 बार आउट हो चुके हैं, प्लेंटन ने आउट किया हुआ है, तो रेड जोन में एलेक्स हेल्स जरूर है यहाँ पे। एडम होस बैटिंग वैल्यू लाते हैं, और जैक हेनिस भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल, तो ग्रैंड लीग पिक बन जाते हैं वो। ब्रेड डिलेवर इम्पोर्टेंट, ग्रैंड लीग खेलो ना तो कुछ टीम से हटा सकते हो ब्रेड डिलेवर को। मिचेल सैटनर, स्टीवन मुलानी इंपॉर्टेंट, समित पटेल इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को मैं लेके जाऊंगा। पर ब्रेड डिलेवर लेक्समैन लाता है, और लेक्समैन के सामने नॉटिंगहम फंसी है, तो इससे ड्रॉप नहीं किया जा सकता स्मॉल लीग में। अफरीदी इंपॉर्टेंट, पैट्रिक ब्राउन इंपॉर्टेंट, उस समय इंपॉर्टेंट, जैकी बॉल इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग में कार्टर और प्लिंटन को रखना, प्लिंटन को तब रखना जब आपको लगता है टॉप ऑर्डर से नॉटिंगहम पे विकेट गिरेगा, जैसे कि जो क्लार्क के, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो आउट हो सकते हैं, तब आप प्लिंटन को रखो। डेलिंगटन प्लिंटन को ना मत रखो, लॉजिकल चीज़ है ये। मैथ्यू कार्टर दोनों कंडीशंस में अच्छा करना चाहिए, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड दोनों के अंदर अच्छा प्लेयर है वो। तो देखते रहिए, स्टैट्स जो टेलीग्राम के ऊपर मिलते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। सुन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया, और लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिग क्लैश।